आखिर क्या हुआ जब रावण की पुत्री को स्वयं हनुमान जी से प्रेम हो गया। दोस्तों थाईलैंड की रामकीय रामायण के अनुसार रावण की एक पुत्री भी थी जिसका नाम सूर्णमच्छा था, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। सेतु निर्माण के समय जब हनुमान जी और वानर सेना समुद्र में पत्थर फेंकते तो वे कुछ समय बाद गायब हो जाते। जब हनुमान जी को इस घटना का पता चला तो वे समुद्र में उतर कर देखने लगे कि आखिर ये चट्टान कहां गायब हो रही है। तब उन्होंने देखा कि पानी में रहने वाले कुछ लोग उन्हें लेकर कहीं जा रहे हैं। तब हनुमान जी भी उन लोगों के पीछे पीछे जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि एक मत्स्य कन्या उन सब लोगों की रानी है। वह मत्स्य कन्या हनुमान जी को देखते ही उनके प्रेम में पड़ जाती है। हनुमान जी भी यह समझ जाते हैं और तब वे उसे लुभाकर समुद्र के तल पर ले आते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब सूर्णमच्छा कहती है, मैं रावण की पुत्री हूँ। तब हनुमान जी सूर्णमच्छा को रावण की सारी करतूतों के बारे में बताते हैं। तब वो कन्या इस बात को समझ जाती है और सभी पत्थरों को वो लौटा देती है। कहते हैं इन दोनों का एक पुत्र भी होता है जिसका नाम मेघचनु था। दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली अवश्य लिखें।